दुकान और घर के लिए परेशान लोगों की मदद करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के सह सचिव व केंद्रीय प्रभारी गुजरात राज्य के राकेश शेट्टी से उम्मीद की किरण जागी है। वहीं राकेश शेट्टी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गरीब और परेशान लोगों की मदद करने के लिए सामने आने की बात कही। वह माड़ा को रुस्तम जी पर अपनी मेहरबानी दिखाने का भी आरोप लगाया है। बीएमसी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीएमसी ने लोगों के साथ धोखा करते हुए लोगों की जगह रुस्तम जी को दी है। जिस जगह को माड़ा ने रुस्तम जी को लीज पर नहीं दिया, उसे एसबीआई ने 250 करोड़ का लोन दे दिया। इस मामले में एसबीआई को रुस्तम जी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा सुझाव राकेश शेट्टी ने दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 जून को बबन ईरानी और रुस्तम जी की पूरी टीम को हाजिर होने के लिए माड़ा ने नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके ऊपर माड़ा का प्रेसिडेंट करके मेरे पास भी तकरार आई हुई है और उसके बाद प्राधिकरण ने क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट था इसलिए कुछ अभी हमारी प्राधिकरण की मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन हमने एक कमेटी उसके ऊपर अपॉइंट की है। हमारे जो कोकन सीईओ है कुशेकर करके, वो इसमें कमेटी के सदस्य है, कमेटी के प्रेसिडेंट है, वो पूरी जांच कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ गलत निकला तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, एक पर्टिकुलर अधिकारियों का इसमें सामने नाम आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसीलिए वो कमेटी हमने नियुक्त की है, उसमें जो कुछ आएगा, माड़ा के अधिकारी आएंगे, अगर डेवलपर ने कुछ किया रहेगा, जो कुछ गलत रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 300 लोगों ने अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और उनके साथ में सीधा सीधा एक धोखाधड़ी हुआ है, जबकि एफआईआर भी दर्ज है ऑलरेडी और यहाँ पे कुछ मामले कोर्ट में भी चले गए हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आपका सर क्या कहना है? नहीं, इसमें दो मीटिंग मैंने खुद ली थी, जब आचार संहिता नहीं लगी थी उसके पहले मैंने ली थी, बाद में मैंने ही तय किया है प्रेसिडेंट करके, इसलिए मैंने वो कमेटी फाइनल की है। जो कोकन माड़ा के हमारे सीईओ है कुशेकर करके, वो पूरी जांच कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक दो हेयरिंग भी उसके हो गए हैं, जो कोई गलत रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऑफिसरों का कहना है कि हमारे ऊपर से लगातार दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम सक्रिय रूप से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका आप क्या कहना? नहीं, हमारे अधिकारी अगर आपके पास आके बोल रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास आना चाहिए, किसका दबाव है वो बोलना चाहिए। हमारा भी यही कहना है कि अगर जो पब्लिक के लिए काम करना है वही काम करना है, अगर गलत काम किया रहेगा तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। जो टेक चंदानी हूँ, बिहारी टेक चंदानी की मदर हूँ, 13 साल से उसने पैसा दिया, वो अपनी पूरी जमा पूंजी उधर दे दी फ्लैट के, रुस्तम जी के उसमें, और आज तक उसको फ्लैट नहीं मिला, लड़का बेघर हो गया, उसके पास रहने को झोपड़ी नहीं है और मजबूर हो गया नौकरी करने के लिए, उसका घर परिवार पूरा बर्बाद हो गया, बच्चा छोड़ के चला गया, बीवी छोड़ के चली गई, अभी एक्सीडेंट हो गया उसका बुरी तरह से, 3.5 लाख का खर्चा हमने किया, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। मिस्टर सीएम साहब को मिलना चाहिए हम लोगों से, हमारी सुनवाई करनी चाहिए कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों बीएमसी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लिया डेमोलिश करने के लिए, क्यों उसको सपोर्ट किया गया, क्योंकि वो करोड़पति है, अरबोपति है और हमको रोडपति बना के वो खुश हो रहे हैं कुर्सी पे बैठ के। बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। हम शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर शेट्टी का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम देकर हमारे लिए आए हैं, हमारे साथ सुनवाई कर रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, न्याय। लड़का सड़क पे आ गया, हमारा जवान लड़का है, क्यों हमारी हालत खराब है, क्यों सीएम हमारी सुनवाई नहीं करते, क्यों नहीं बुलाते हमको, पब्लिक को बुला के उनकी सुनवाई करनी चाहिए, चैम्बर में एंजॉय नहीं करना चाहिए बैठ के एसी में, हम लोग धूप में सड़ रहे हैं, वो एसी में एंजॉय करें मिनिस्टर, ये कहाँ का न्याय है, ये न्याय अन्याय है हमारे साथ। आप लोगों ने कोई कंप्लेंट सीएम तक दी थी या अधिकारियों तक आप लोगों की कंप्लेंट? आप सीएम के अगर हमने मेरे थ्रू किया है, किया है, सब किया है, सब किया किया है, सुनवाई नहीं हुआ है ना, क्या फायदा? मैं आपको और बात बताऊं, हम बीएमसी में इधर उधर कई जगह कंप्लेंट करते हैं, नहीं सुनवाई होती है, अंदर ढक देते हैं पर्दा, मेरे पास प्रूफ है, अपने पर्सनल प्रूफ है बीएमसी के, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती है, कोई एसिड फेंकने की धमकी दे जाता है लेकिन नहीं, पुलिस सामने आती है ढक देती है कि उस प्रूव नहीं हो रहा है, इस तरह से हरकतें हो रही हैं हम बुजुर्गों के साथ,
ये बर्बादी की निशानी है, बर्बाद हो गया। अगर कोई अपना देश में पाकिस्तान का है मगर हिंदुस्तान भी बर्बाद हो गया। सीनियर सिटीजन और लेडी अगर दुखी है तो वो देश आबाद कभी हो नहीं सकता, ये बात तो समझ। अच्छा जगह हूँ, 4-5 मंजिल बना था, रुस्तम ने उसको उतार के खोद दिया, फिर नया बना, ये कोई तरीका है जो जिसकी बना उसको मिलना चाहिए ना? यानी कुछ कदम नहीं करते हैं, सब मिले हुए हैं, हम क्यों बोले ऐसा न्याय नहीं है ना, न्याय होना चाहिए, बेन्याय होते हैं, दिल दुखता है। अभी हमारी रिक्वेस्ट है, जो बेघर हो चुके हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनको छत मिलनी चाहिए, उनका हक 54 लाख रुपए लड़के ने 13 साल पहले दिया, 54 लाख आज की कीमत में 2 करोड़ के 3 करोड़ के ऊपर हो गया, आज उसकी उसको घर भी नहीं, पैसा भी नहीं, सब उसकी जमा पूंजी ने बनाया और तोड़ गया। कोई आगे नहीं, अभी तो बताया ना, आज राकेश शेट्टी आज आए तो हमें उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो अभी हमको लग रहा है कि मिलना चाहिए, लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ ये आवाज सीएम तक जानी चाहिए कि उनके देश में उनके मुंबई में महाराष्ट्र में कितने लोग दुखी है कितने सुखी है उनको पता लगना चाहिए, जो सुखी है उनको और सुखी किया जा रहा है, जो दुखी है उनको और दुखी किया जा रहा है, ये गलत है, ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। हम लोग टोटली, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील भतीजा है और मेरे अंडर में मेरे साथ में कम से कम 288 फ्लैट बायर्स है, अनशॉप बायर्स है। हम लोगों ने 10 साल 11 साल पहले जगह देख के हमने पैसा दिया है, माड़ा का CC VC देख के हमने पैसा दिया है, अब वो हमने वैदेही आकाश को दिया है या रुस्तम दिया को दिया है, हमने को उससे कुछ मतलब नहीं, हमने जगह उधर उस जगह पर पैसा देख के दिया, CC देख के दिया, प्लान देख के दिया पूरा, तो हमको हमारा न्याय चाहिए, हमको हमारी जगह चाहिए, जो कि कोई भी नहीं कर रहा है। अभी राकेश शेट्टी साहब आए हैं हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभारी है, आई होप हमारा आगे इनकी तरफ से हमारा न्याय होगा पूरा, बस हमको सुनवाई चाहिए। कैसे रुस्तम के बाद दिया है, अभी हम लोग कहाँ जावे, हम तो मत हैं ना, कोई नहीं सुनाई होती है। राकेश सर, इस तरीके की कितने कंप्लेंट अब तक आपके पास हुए? देखिए करीबन 300 ऐसे होम बायर्स और शॉप बायर्स है और आप देख रहे हैं इनका दुख दर्द, आप समझिए कि 10-12 साल से ये लोग ने पैसा डाल के इनके पास घर नहीं मिला है, और माड़ा का जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जिम्मेदारी है, इनका कहना सही है कि इन्होंने ज़मीन पे पैसा डाला है, माड़ा ने इनको CC दिया, IOD दिया, तो आज हमारा यहाँ पे जो हियरिंग हुआ, आज माड़ा का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ, 13 तारीख को इन्होंने बोमन ईरानी को नोटिस दिया और ये 13 तारीख को बोमन ईरानी मतलब रुस्तम जी का पूरा टीम को उन्होंने बुलाया है ताकि इनको यहाँ पे जस्टिस मिले। इनको मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए और ये जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना मेहनत का पैसा लगाया है, आज इनके पास घर नहीं है, सबको अपना अपना तकलीफ है, इनको आगे आना चाहिए और इनका हक का घर इनको मिलना चाहिए। दूसरा, CM साहब का मैंने गए बार आया तो राजीनामा इसलिए ही मांगा था क्योंकि आप देखिए आज आप यहाँ पे देखो 10-12 लोग हैं, अगली 13 तारीख को यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग रहेगी क्योंकि ये सब लोग बेचारे मजबूर हैं, सब अपने अपने काम पे थके हुए। माड़ा अगर रुस्तम जी को इस तरह मदद करेगा, आज हमने 2 पॉइंट वहाँ पे हियरिंग में रखा, सबसे पहला पॉइंट जो था वो है फोर्ज्ड IOD और CC का, BMC ने फोर्जरी करके जो इन्होंने पैसा दिया वैदवी आकाश को दिया है और वैदवी आकाश का CC फोर्ज करके रुस्तम जी के नाम पे बना के दे दिया, फोर्जरी का केस है। और दूसरा, जो प्लॉट रुस्तम जी को माड़ा ने लीज पे नहीं दिया वो प्लॉट के ऊपर आज हमें मालूम पड़ा, आज जो कंप्लेन किया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ का लोन इस प्रोजेक्ट को मॉर्गेज करके किया है, ये सबसे बड़ा घोटाला है और स्कैम्प है। आप सरकार से का प्लॉट आप मॉर्गेज नहीं कर सकते, अगर आपके पास लीज होता तो परमिशन के साथ करना है, यहाँ पे आपको लीज ही नहीं किया। और RG जो मैं गए बार जो प्रश्न उठाया, RG कभी भी लीज नहीं किया जा सकता, RG एक ग्राउंड है, ग्राउंड को आप मॉर्गेज नहीं कर सकते और इस प्रोजेक्ट पे ये हुआ है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी इस पर जवाब देना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी देना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है 13 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा बिकॉज उनका टेक्निकल टीम यहाँ पे आने वाली है। तो मेरा आप लोग के जरिए मुख्यमंत्री को यही कहना चाहता हूँ कि आपको अभी तो अपना आँख खोलना चाहिए और इन लोगों को मदद के लिए आपको आगे आना चाहिए। ये सेकेंड हियरिंग है और बहुत सारा चीज़ जैसे
SBI का आज हमें ये पता चला क्योंकि पेपर सामने आए और वो कंप्लेन हमने आज दर्ज कराया। RG PG ये जो प्लॉट होते हैं इसको आप मॉर्गेज नहीं कर सकते। ये आजू बाजू आप देखिए सब रुस्तम जी का प्रोजेक्ट है। 250 करोड़ का लोन बिल्डर को, लोग गरीब आदमी का फ्लैट होता है तो आप उसको मॉर्गेज कर सकते हो, मगर गार्डन को कैसे मॉर्गेज कर सकता है? और जो ज़मीन है जो इन्होंने मॉर्गेज किया इसका लीज माड़ा ने इनको दिया नहीं। आप समझिए बिना लीज लिए आपने थर्ड पार्टी को मॉर्गेज किया, ये इल्लीगल है, फ्रॉडुलेंट एक्ट है। इसके ऊपर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को FIR दर्ज करना चाहिए रुस्तम जी के खिलाफ। म्यूनसिपल बावड़ा पुलिस सब बंधे हुए हैं तब ये काम उसका होता है। गरीब का कौन सुने, पब्लिक का कोई सुनाई नहीं होती है। टाइम रखा है कोई नहीं है, आपकी टाइम से आता नहीं है, वो तरीका है क्या? हम धिक्का खा के जाते हैं, अरे अंधेर है, हिंदुस्तान बर्बाद है। ये समझो लो आप, पहले पाकिस्तान की निंदा करते थे, अभी हिंदुस्तान में नहीं है कोई कानून, नहीं है ढीला कानून है। मैंने यहाँ पे 2006 में फ्लैट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है 75 लाख रुपया। तो उस समय पे मतलब हमने सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। उस समय समझो इन्वेस्टमेंट के लिए, आज मतलब रुस्तम जी कोर्ट में बोलता है कि पैसा हमने नहीं लिया है, पैसा फंडेकर ने लिया, फंडेकर से जाके क्लेम करो। लेकिन हमारा ऐसा मुद्दा नहीं है, हमने पैसा प्लॉट पे दिया हुआ है और फंडेकर उस समय उसका कस्टोडियन था। मतलब आज फंडेकर का एग्रीमेंट समझो टर्मिनेट हुआ, रुस्तम जी ने उसको टेक ओवर किया, तो रुस्तम जी की पूरी जवाबदारी बनती है कि लोगों को वहाँ पे जीप्स के भी इन्वेस्ट, चाहे शॉप खरीदा है, चाहे फ्लैट खरीदा है, चाहे घर है, जो भी खरीदा है उसको उसका इन्वेस्टमेंट का उसको रिटर्न या उसको पैसा, दोनों में से एक चीज़ मिलना ही चाहिए। मतलब उसको पैसा भी देगा तो पूरा ब्याज के साथ उसको वापस करना चाहिए या उसको वहाँ पे जगह मिलनी चाहिए जो उसने बुक की है। मतलब ये हमारा सबसे सरकार से दरख्वास्त है और मेनली राकेश शेट्टी जी का धन्यवाद कि आज 10-12 साल से हम लोग जो लड़ रहे थे इसमें हमको इन्होंने सपोर्ट करके आज महाड़त में यहाँ आके आज 2 बार हमारी केस की हियरिंग दिलवा के कम से कम कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद खड़ी की है। धन्यवाद।